धारा हो या वेगवती नदी या महासागर, यदि उसे पार करना है तो उसमें उतरना ही होगा। केवल बाहर बैठकर उसे निहारने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि नाव ना हो तो लहरों से लड़ना होता है, धारा से टकराना होता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उभरना होता है। यही जीवन है। ठीक इसी धारा, नदी, महासागर की भांति हमारे जीवन में हमारे समक्ष संघर्ष आकर खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि इससे पार कैसे पाएं। हम सोचते हैं कि ये स्वयं समाप्त हो जाए, परंतु संघर्ष या संकट स्वयं समाप्त नहीं होते, उन्हें समाप्त करने के लिए उनसे जूझना पड़ता है। इसलिए संघर्ष से बचना श्रेयस्कर नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना होगा। आपके मौन रहने से संघर्ष हटे या ना हटे, परंतु आपका विकास अवश्य अवरुद्ध हो जाएगा। यहां द्वंद्व के पालन हेतु अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा, तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। स्नेह और प्रेम के अतिरिक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और इसके चलते मैंने तुम्हारी अर्धांगनी उत्तरा को वचन दिया था कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं, तुम्हारे प्राण को संकट में नहीं आने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं पितामह? ये युद्ध है और ये हमारा शत्रु, इसकी रक्षा नहीं करनी है आपको, इसका वध करना है। मुझे भली भांति स्मरण है दुर्योधन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारी ओर से युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, परंतु किसका वध करना है और किसका नहीं, यह मेरा निजी अधिकार है। पितामह, यदि आप इसी प्रकार पांडवों के मोह और वचनों से बंधे रहेंगे तो हम ये युद्ध हार जाएंगे पितामह, और यदि ऐसा हुआ तो उसके दोषी केवल आप और आपके ये वचन होंगे। मेरे सामने से चले जाओ पुत्र। क्षमा कीजिए प्रपितामह, जिस प्रकार मेरे प्रति आपका प्रेम भाव आपको मुझ पर आक्रमण करने से रोक रहा है, उसी प्रकार मेरे परिवार के प्रति ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आगे बढ़ने ना दूं। मैं तुमको क्षति नहीं पहुंचा सकता पुत्र, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारथी, साधु पुत्र, किंतु अगली बार मत चूकना। प्रपितामह, या तो द्वंद कीजिए या समर्पण कीजिए। बस करो पुत्र।
मुझे रोक पाना भी सरल नहीं है प्रपितामह। उत्तम अभिमन्यु, अति उत्तम। ताचरी ये क्या कर रहे हैं? उन्हें अभिमन्यु पर प्रहार करना चाहिए था। नहीं महाराज, जिस प्रकार से महामहिम भीष्म हमारी कौरव सेना के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए वचनबद्ध हैं, उसी प्रकार से उत्तरा को दिए वचन से भी बंधे हुए हैं महाराज। किंतु इस प्रकार, क्या इस प्रकार युद्ध के मध्य में ऐसा करना उचित है? यदि ऐसा ही चलता रहा तो पांडव ये युद्ध जीत जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूचना अभी यही है कि युवराज दुर्योधन सुरक्षित है महाराज। और राजकुमार अर्जुन उनकी ओर बढ़ रहे हैं महाराज। राजकुमार अर्जुन और युवराज दुर्योधन के रथ के पताका के मध्य अब कोई भी नहीं है महाराज। ईश्वर, ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करना। इसलिए मैं पितामह के स्थान पर कर्ण को चुन रहा था मामाश्री। इसीलिए मित्रकर्ण इनके भांति वे पक्षी जो तो नहीं लड़ता, इनसे नहीं होगा मामाश्री। हमारे और बाकी महारथी कहां है? कर्ण होता तो ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। अब कर्ण नहीं है तो कौन रोकेगा इसे? कौन? मार्ग से हट जाओ रिश्ते। आप भूल रहे हैं महारथी, मैं उस वीर का अंश हूं जिसका रोम रोम आपको परास्त करने में सक्षम है। हम यहां युद्ध करने आए हैं और मैं अपने पिता को यह वचन देकर आया कि रणभूमि में मैं उनकी कमी की अनुभूति किसी को नहीं होने दूंगा। मेरे मार्ग से हट जाओ रिश्तें, मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता और ऐसा करने के लिए मुझे विवश मत करो। आप द्वंद कम और बातें अधिक करते हैं। पार्थ, यदि तुम इस युद्ध को आज ही समाप्त करना चाहते हो
तो एक बात का स्मरण रखना, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष रह गया है। अपने सामने खड़ी बाधा पर प्रहार करो पार्थ। ये मेरी अंतिम चेतावनी है वृक्षसेन, हट जाओ मेरे मार्ग से। चेतावनी देने में समय व्यर्थ मत कीजिए, द्वंद कीजिए धनंजय। वृक्षसेन, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे ही भांति कुशल योद्धा है कर्ण, मित्र कर्ण। आज तुम्हारा पुत्र वो कर रहा है जिस पर तुम्हें गर्व होगा। शीघ्रता करो पार, सूर्यास्त्र में बस कुछ ही समय शेष है। ये पर्वतास्त्र है पुत्र, मुष्टिकास्त्र का प्रयोग करो। सूर्यास्त होने वाला, इसको कैसे जीते? कुशल और मामा श्री, सूर्यास्त होते ही इन पांडवों का विजय का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या होगा यदि तुम अपनी इस मूर्खता को एक छल में परिवर्तित कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वज्रव्यूह की विशेषता क्या है दुर्योधन? प्रहार, केवल प्रहार, परंतु रक्षा में असक्षम। जरा देखो दुर्योधन, सभी योद्धा अपने राजाओं के साथ आक्रमण में व्यस्त हैं। बिना किसी रक्षा नीति के हम इसका लाभ उठा सकते हैं दुर्योधन? क्या होगा यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लो तो? यदि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को हमने बंदी बना लिया दुर्योधन, तो हमारी विजय निश्चित। ताम ताम दंड भेदे अस्माकं विजयं निश्चितम्, अस्माकं विजयं निश्चितम् दुर्योधन।
आपका विचार उत्तम है मामा श्री। असमान अस्त्रों के साथ द्वंद करना नियमों के विरुद्ध है धर्मराज, स्मरण है ना आपको? मामा श्री सामने आकर द्वंद कीजिए, कायरों के भांति नहीं। युधिष्ठिर, उसके लिए मैं हूं ना, मैं उपस्थित हूं। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तत्पर हूं। ये बात परंतु स्मरण रखना, तुम्हें परास्त करने का अर्थ ये है कि इस युद्ध पर पहली विजय हुई और इसकी विपरीत परिस्थिति का भी यही परिणाम होगा। राजा दुर्योधन अवश्य साधु पुत्र साधु। आशा है कि इस युद्ध के पश्चात तुम जैसा योग्य और वीर राजा हस्तिनापुर को मिलेगा। अरे 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 सहदेव, कहाँ चल दिए? शुभ कार्य करने जा रहे हो ना? मामा श्री का आशीर्वाद नहीं लोगे? आओ प्रणाम करो। षड्यंत्र रचते समय आपकी तलवार जैसी जीप तो बहुत चलती है, मगर आज आपकी तलवार कैसे फिसल रही है मामा श्री? नहीं दुर्योधन, वो क्या है ना सहदेव, हर वस्तु अपने समय से चलती है। सावधान पुत्र, अब तो पार आएंगे।
कोई जाकर उस पताका को ले आओ। दुर्योधन तेरे साथ युद्ध में व्यस्त है, जाओ। केवल तेरी अंतिम सीखे सुनेंगे युधिष्ठिर, अंतिम सीखे। अरे कोई रोको उस बात।